तो मुझे उम्मीद है कि पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था लेडी बर्ड बनाना, वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ पोस्ट बॉक्स। ठीक है, पोस्ट बॉक्स आपने देखा है किस कलर का होता है पोस्ट बॉक्स? रेड कलर का। ठीक है, रेड कलर का होता है पोस्ट बॉक्स। और हर एक जगह जहाँ आप रहते हो कॉलोनी में या जो भी जगह है, तो वहाँ हमेशा एक पोस्ट ऑफिस हुआ करता है और वहाँ पर ये पोस्ट बॉक्स जो है लगा रहता है। और जिसको भी चिट्ठी डालनी होती है अपने मित्र को, अपने रिश्तेदारों को, या कोई भी ऐसे चीज़ जो एक स्थान से दूसरे स्थान हमें भेजना होता है लिखित, तो वो हम पोस्ट ऑफिस के पास लगे हुए पोस्ट बॉक्स में डालते हैं लेटर को, जो भी आपका होता है। ठीक है, एनवेलप है या निर्देश दी या कुछ भी है, कार्ड है, वो कुछ भी ऐसा है, तो उसे हमें पोस्ट बॉक्स में डालते हैं और वहाँ से वो डाकिया ले जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाता है। इसलिए इस पोस्ट बॉक्स का यूज़ जो है वो हम इसमें लेटर डालने का करते हैं। और प्रत्येक पोस्ट ऑफिस के बाहर ये लगा होता है, रेड कलर का होता है। नहीं देखा है तो फिर आप अपने आसपास के पोस्ट ऑफिस के पास जाइएगा तो ज़रूर देखिएगा। ओके, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ पोस्ट बॉक्स मेड ऑफ डिफरेंट शेप। ठीक है, किन शेप को मिलाने से हम इसे कंप्लीट एक पोस्ट बॉक्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रेक्टेंगल। बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया। ये रेक्टेंगल जो है ये मैंने क्या कर लिया, बना लिया। ठीक है, रेक्टेंगल बना लिया सबने। इसमें केवल चार लाइन ही हमें खींचनी, दो आड़ी दो मेढ़ी और दो लाइन छोटी है ऊपर नीचे, और साइड की जो लाइन है वो थोड़ी लंबी है। ठीक है, और इसे हम और थोड़ा इधर बढ़ाते हुए और इसे बड़ा कर देंगे इस तरह। बहुत ईजी है, केवल लाइन बनाना है। ठीक है, और इसके ऊपर हमें बनाना है सेमी सर्कल। ठीक है, इसके मिडिल में हम अपना डॉट लगा देते हैं और यहाँ से फिर हमको इसी लाइन से ऊपर ले जाते हुए और इस डॉट को टच करते हुए और फिर यहाँ से इस तरह लाते हुए और जो डॉट हमने लगाया था उसके इससे मिला देते। ठीक है, सबने मिला दिया, वेरी गुड। और फिर यहाँ पर एक और हम रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल में इस तरह लाइन खींच दिया और इधर भी एक लाइन खींच दिया। ठीक है, और इस लाइन को यहाँ से जोड़ दिया और इस लाइन को यहाँ से जोड़ दिया। बहुत ही ईजी है, केवल आपको लाइन ही बनानी है। ठीक है, और इसके बीच में हम ये रेक्टेंगल बना लिया हमने, ये सेमी सर्कल बना लिया और अब हम बनाएंगे स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ हमने डॉट लगाया, इसके सामने ठीक इधर डॉट लगा दिया और ठीक इसके नीचे डॉट लगाया और ठीक इसके नीचे डॉट लगाया। ठीक है, हमने डॉट लगा देना, अभी डॉट्स को हम मिला लेंगे। तो इस डॉट को ले गए इधर और इस तरह ले लिया, इस तरह हमने स्क्वायर बना दिया। सबने बनाया? ठीक है ना, तो इस तरह हम इसे स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, स्क्वायर बना लिया और इसके बगल में साइड में ये होता है बॉक्स। ठीक है, यहाँ से ये ओपन एरिया होता है, ओपन होता है यहाँ, यहाँ से हम लेटर वगैरह सबको अंदर डाल देते हैं। और यहाँ एक छोटा सा विंडो लगा होता है और ये होता है ताला के लिए। ताला के लिए एक से ही सर्कल की तरह बना देंगे। यहाँ पे एक ताला लगता है और जब यहाँ से हम लोग लेटर डाल देते हैं, यहाँ पे ज़्यादा ये लेटर बॉक्स में लेटर भर जाता है, तो फिर पोस्ट ऑफिस के द्वारा यहाँ से ताला खोल कर उस लेटर को निकाल लिया जाता है और जहाँ जहाँ ये लेटर जाने होते हैं उसको वहाँ तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये आपका पोस्ट बॉक्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, और यहाँ भी हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए इस लाइन को नीचे से मिला बराबर बराबर से इस लाइन को हमें क्या करना है, मिला लेना है।
तरह हमको बराबर से इस लाइन को मिलाना है। अभी आपको पूरा नहीं दिख रहा ना, मैं दिखाती हूँ, ठीक है। इस लाइन को बराबर से हमको मिला देना है और फिर हम इसको कलर करेंगे। कलर करने के लिए लेटर बॉक्स जो होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है, रेड कलर का। और ऊपर जो सेमी सर्कल है ये ब्राउन भी कर सकते हो, ब्लैक भी करते हो, मगर ये जो लेटर बॉक्स होगा ये रेड कलर का, ठीक है। तो इसको हम कलर कर देंगे। ये बहुत ईजी है, बहुत आसानी से बना सकते हो। इस तरह हमने इसको कलर कर लिया रेड से, मैंने पिंक कलर किया है, आपके पास रेड है तो आप रेड कर लेना और इसको ब्राउन या ब्लैक ही तोड़ देना, ठीक है। इस तरह हमने लेटर बैक बॉक्स को कलर कर लिया है, जो लाइन इसकी डन हो रही है उसको हम फिर से डार्क करेंगे, ठीक है, इसको हम फिर से डार्क कर लेंगे। इस तरह ये हमने बहुत ही आसानी से सेमी सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर को यूज करते हुए बहुत ही अच्छे से ये हमने लेटर बॉक्स बना लिया है। जैसे मैंने बनाया है ठीक उसी तरह आप ही बनाइए और स्कूल खुलने पर अपनी कॉपी को चेक कराइए। ओके, बाय बाय किड्स।